गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, यू आर वेलकम इन दिस वीडियो एंड दिस वीडियो इज फॉर स्पेसिफिक पर्पज दैट आई हैव कम टू यू एंड आई विल टेल यू सम कॉन्सेप्ट अबाउट टू ट्रांसलेट सेंटेंस ऑफ हिंदी इन इंग्लिश, ठीक है, इन टू इंग्लिश। तो ये बात ध्यान रखिए, आप किस तरीके से अपने हिंदी के सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं। प्रॉब्लम आती है, कई बार क्या होता है, कुछ स्टूडेंट्स जब टाइप करते हैं तो इजीली जो है वो टाइप नहीं कर सकते और इस कंडीशन में वो रैंडमली वर्ड्स का यूज़ करते हुए उनको लिखते हैं। और इस कंडीशन में अगर आपका जो सेंटेंस प्रॉपर नहीं है, अगर आप इस तरीके से सेंटेंस लिखोगे तो उसका इम्पैक्ट जो है सामने वाले पर नहीं पड़ने वाला, उसका मीनिंग जो है सामने वाला नहीं समझने वाला। तो इसी कंडीशन में, इसी सीरीज के अंदर हम बात करें तो कुछ कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे सो दैट यू मे अंडरस्टैंड अबाउट दैट हाउ टू राइट, आप कैसे लिख सकें, ठीक है। तो हमारे सेंटेंस को लिखने के लिए सबसे पहले ध्यान रखना, इसके लिए वर्ब ओरिएंटेशन जरूरी है, यानी कि वर्ब पे फोकस करना जरूरी है। तो इंग्लिश की इस क्लास में हम बात करेंगे आज वर्ब के ऊपर, ठीक है, वर्ब के कॉन्सेप्ट के बारे में हम बात करेंगे। तो वर्ब के कॉन्सेप्ट के बारे में बात करें तो मैं वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको एक सेंटेंस में समझाने वाला हूँ, ठीक है भाई। वर्ब का जो कॉन्सेप्ट है मैं आपको सेंटेंस में समझाने वाला हूँ, सेंटेंस के थ्रू हम इजीली जो है वर्ब का कॉन्सेप्ट समझ पाएंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना वर्ब की जो जगह है वो कहाँ पर होती है। पहले तो ये ध्यान रखें, किसी भी सेंटेंस को लिखने से पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि सब्जेक्ट का प्रॉपर प्लेस क्या होता है, वर्ब अब किस जगह पर आती है, ठीक है। तो इसके अलावा ऑब्जेक्ट का अपना प्रॉपर प्लेस कहाँ होता है, एडवर्ब का प्रॉपर प्लेस कहाँ होता है, तो इन सब चीज़ों के बारे में हमें ध्यान रखना है। साथ ही हमें आइडेंटिफाई करना है कि वो टेंस किस टाइप का है, किस तरीके से हम उस सेंटेंस में किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करने वाले हैं, किस मेन वर्ब का यूज़ करने वाले हैं, तो इस बारे में आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है। तो जनरली हम बात करें तो हमारे सेंटेंस को अगर सिंपल वे में हम कहते हैं, तो सिंपल वे की बात है कि अगर मैं सेंटेंस को सिंपल वे में बात करूं तो सबसे पहले मैं सब्जेक्ट का यूज़ करता हूं, सब्जेक्ट जो है वो आता है, सब्जेक्ट के बाद मैं जनरली हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करता हूं। कई बार ऐसा होता है कुछ जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, पास सिंपल टेंस है, उनके फॉर्मेटिव में हम हेल्पिंग वर्ब का यूज़ नहीं करते, लेकिन हम जनरली करते हैं ना, मेन वर्ब करते हैं, मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट हमारे पास होता है, ऑब्जेक्ट के बाद जो है हमारे पास बाकी दूसरी चीज़ें हैं जैसे एडवर्ब जैसी चीज़ें हैं, एडवर्ब जैसी चीज़ें आती हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, तो इस तरीके की हम चीज़ें यूज़ करते हैं। और एडवर्ब में भी ध्यान रखना, एडवर्ब में कौन से एडवर्ब पहले आते हैं, कौन से नहीं आते, तो ये बात ध्यान रखना। तो एडवर्ब की हम बात करें तो एडवर्ब में कह सकते हैं कि प्लेस एडवर्ब जो है, प्लेस एडवर्ब और टाइम एडवर्ब अगर आ जाए, तो प्लेस एडवर्ब या टाइम एडवर्ब आ जाए तो ध्यान रखना यहाँ पर हम बात कर रहे हैं प्लेस एडवर्ब की। तो प्लेस एडवर्ब टाइम एडवर्ब से पहले आता है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट प्लेस हम बात करें प्लेस एडवर्ब की और सेकंड हम बात करें टाइम एडवर्ब की बात करेंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना ये प्लेस से रिलेटेड जो चीज़ आई, प्लेस से रिलेटेड जो वर्ड है वो एडवर्ब है और टाइम से रिलेटेड जो है वो भी एडवर्ब होता है। आपको सिर्फ ध्यान रखना है प्लेस और टाइम एडवर्ब, ठीक है। यहाँ ऑब्जेक्ट की बात करें तो ऑब्जेक्ट के बारे में बताएंगे, लेकिन ऑब्जेक्ट जो है यहाँ एडवर्ब से पहले आएगा, ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखें। सेंटेंस रीऑर्डरिंग नाम का एक आपका टॉपिक है, क्लास 10th के अंदर भी जो है वो टॉपिक दिया हुआ है, क्लास 11th में भी टॉपिक दिया हुआ है, और दोनों ही क्लासों को इस बारे में समझने की ज़रूरत है कि हमें किस टाइप से हमारे सेंटेंस को रीऑर्डर करना है, ठीक है। तो इस टाइप के सेंटेंस को अफर्मेटिव नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, अफर्मेटिव। बात करें नेगेटिव की तो नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है किस तरीके से होता है, इसमें एक ही कॉन्सेप्ट होता है कि इस हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का यूज़ कर लें, इसका यूज़ कर लें, नोट का यूज़ कर लें, ठीक है भाई। नोट का यूज़ करने से हम क्या कर सकते हैं, उसको नेगेटिव बना सकते हैं, ठीक है। बाकी हम नो का यूज़ करके, नो वर्ड का यूज़ करके भी हम बना सकते हैं, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। सबसे पहले हम प्रॉपर वे में सेंटेंस को बनाना सीखेंगे, उसके बाद जो दूसरे मेथड हैं उनके थ्रू भी मैं आपको सेंटेंस बनाना सिखाऊंगा। तो यहाँ सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नोट, उसके बाद मेन वर्ब, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, और एडवर्ब का भी वही प्लेस है जिस तरीके से ये, तो एडवर्ब की कंडीशन सेम रहेगी, ठीक है। इस टाइप के सेंटेंस को नेगेटिव के नाम से जानेंगे। इंटरोगेटिव की हम बात करें तो इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्या होगा कि यहाँ पर अगर यहाँ पे कोई भी क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में दिया है तो WH वर्ड, अदरवाइज क्वेश्चन सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और WH वर्ड के बारे में भी बात करेंगे, कौन सा WH वर्ड कब यूज़ होता है, तो WH वर्ड या हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, ये बात आप जरूर ध्यान रखें, ठीक है। तो इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर कर लें। इसके बाद देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो यहाँ आ गया, और उसके बाद जो है मेन वर्ब, और मेन वर्ब के बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट वाला कॉन्सेप्ट है वो हम क्लियर करेंगे, ठीक है, ऑब्जेक्ट या एडवर्ब।
वो क्लियर हम करते चलेंगे, ठीक है। और लास्ट में क्या कर देंगे हम, मार्क ऑफ इंटरगेटिव का यूज करेंगे। और इंटरगेटिव नेगेटिव की बात करें तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं डब्ल्यूएचओड की, सेम डब्ल्यूएचओड यहाँ यूज हो जाएगा। हेल्पिंग ऑफ के साथ में हम बात करें तो यहाँ पर हम सिर्फ नॉट का यूज एक्स्ट्रा करते हैं, तो नॉट का यूज करने से हम देख सकते हैं नेगेटिव बनाते हैं। तो यहाँ उसके बाद मैप ऑफ वही स्ट्रक्चर सेम है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपका जनरल स्ट्रक्चर है किसी भी सेंटेंस को कंपोज करने के लिए, जनरल सेंटेंस का यूज करना पड़ेगा इस तरीके से। इस स्ट्रक्चर में, इस मेथड से आप जो है प्रॉपर वे में इंग्लिश के सेंटेंस को क्या कर सकते हैं, रीऑर्डर कर सकते हैं, इंग्लिश के सेंटेंस को प्रॉपर वे में लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं। तो इन्हीं सेंटेंस के थ्रू आप जो है अपने वर्ड्स को सिस्टमेटिक तरीके से लिख सकते हैं, नोट कर सकते हैं, ओके। तो ध्यान रखना, यहाँ पर देख सकते हैं सब्जेक्ट की जगह कहाँ पर है, ठीक है, ये देख सकते हैं आप सब्जेक्ट यहाँ पर है। और इसी कॉन्सेप्ट के बारे में जो हम वर्ब की बात कर रहे हैं, तो वर्ब का कॉन्सेप्ट आप जरूर देखें। तो वर्ब में हेल्पिंग और मैन वर्ब दोनों ही कंबाइंड होती है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इसका जो प्लेस है, प्रॉपर प्लेस यहाँ दिया हुआ है, यहाँ पर आप इसका प्रॉपर प्लेस देख सकते हैं, यहाँ पर ये दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर ये मैन वर्ब का दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप, यहाँ हेल्पिंग वर्ब यहाँ आ गई और मैन वर्ब यहाँ पर आ गई है। और यहाँ पर भी देख सकते हैं हेल्पिंग वर्ब यहाँ आया, मैन वर्ब यहाँ पर है, तो इजीली आप देख सकते हैं। लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट ज़्यादा यही रहते हैं ना, ज़्यादा हम जो स्पोकन है नोट का जो काम है हमारा, या ज़्यादातर हम जो सेंटेंस कंपोज करते हैं वो किस सेंस में करते हैं, यानी किस सेंटेंस में करते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव में करते हैं, अफर्मेटिव और नेगेटिव में करते हैं, ये बात जरूर ध्यान रखें। अब किस टेंस में किस तरीके की पहचान के साथ हम जो है हम अपनी हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब को याद रखें, तो हेल्पिंग वर्ब या मैन वर्ब को याद रखने का मैं आपको फंडा बता देता हूँ, ठीक है। तो आपको आईडी के अकॉर्डिंग आपको इजीली याद हो जाएगा, ठीक है। तो आपको भी फिलहाल मैं वही सेंटेंस आपको बताऊंगा जो आपके टेंस के अंदर है। जनरली जो स्पोकन के अंदर यूज किए जाते हैं उनके बारे में भी हम बात करेंगे, लेकिन बाद में, ठीक है। वी विल डिस्कस अबाउट दैट आफ्टर ऑल टीचिंग द फंडामेंटल रूल्स ऑफ द टेंस, ओके। तो यहाँ हम बात करते हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर मैं आपको हिंदी आईडी लिखवा रहा हूँ। तो एक जब असाइनमेंट मैंने हिंदी आईडी का यूज़ किया, हिंदी आईडी का मैंने यूज़ किया, और यहाँ पर मैंने यूज किया कि वर्ब क्या होगी, क्योंकि बाकी सब देखो वर्ब ही चेंज होती है, केवल वर्ब चेंज होती है, बाकी कुछ चेंज नहीं होता, सब्जेक्ट वैसा ही होता है, ठीक है। उसके बाद ऑब्जेक्ट की बात करें, ऑब्जेक्ट में किसी तरीके का कोई रूल लागू नहीं होता, हम केवल वर्ब को ही चेंज करते हैं, बार बार टेंस चेंज होता है तो वर्ब को ही चेंज करते हैं। तो इसी कॉन्सेप्ट को आपको समझना है। तो हम सबसे पहले बात कर रहे हैं, आपको अगर पहचान मिले ता है, ती है, इसके अलावा ते है, ठीक है, इस तरीके से, इसके अलावा ता हूं और ती हूं, तो इस तरीके की अगर आपको पहचान मिलती है, तो इस पहचान के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब मैन वर्ब क्या यूज करना है, तो हेल्पिंग वर्ब डू डस का यूज करेंगे, ध्यान रखना डू डस का यूज करेंगे, और साथ में मैन वर्ब जो है आपकी, मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है, ध्यान रखना। इसका कॉन्सेप्ट हम क्लियर करेंगे बाद में, फिलहाल के लिए आपको इतना ध्यान रखना है। उसके बाद हम बात करें, अगर आपको लगता है कि पास्ट में है तो ता था, ती थी, ताई टाइप में अगर कुछ मिले आपको, ता था, ती थी, ते थे, ठीक है, इसके अलावा या, ये, यी, अगर साउंड भी मिल जाए, साउंड आ जाए, जैसे आ का साउंड आपको मिला, ठीक है, कैपिटल जो हिंदी का ई है वो आपको मिला, इसके अलावा बात करेंगे कि तो ये आपको कैपिटल में मिला, तो इसमें में आपको जब पहचान मिलती है तो यहाँ आप एक कॉलम भी बना सकते हैं, कॉलम के थ्रू भी आसानी से समझ सकते हैं, कॉलम के थ्रू जो है इजीली आपको पता लग जाएगा। तो यहाँ देख सकते हैं, तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, हेल्पिंग वर्ब यहाँ डिड का यूज हम करते हैं लेकिन अफर्मेटिव में नहीं करते, और उसके बाद हम मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म जो है यूज करेंगे सेकंड फॉर्म का, ठीक है। ये जो है केवल आपको ध्यान रखना, मैं आपको डबल कॉन्सेप्ट आपको यहाँ बता देता हूँ इस टाइम का, कि हेल्पिंग वर्ब के साथ अगर आपने डिड, यानी कि हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज किया, इसका यूज किया भाई, अगर आपने हेल्पिंग वर्ब डिड का यूज किया तो इस कंडीशन में केवल फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है, याद रखना डिड का यूज करने पर फर्स्ट फॉर्म आती है, अदरवाइज हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं करेंगे, और मैन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है, कौन सी फॉर्म आती है, सेकंड फॉर्म आती है, बात याद रखें, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे, फ्यूचर की बात नहीं करेंगे, केवल प्रेजेंट और पास्ट टाइम में कंपेरिजन आपको बता रहा हूँ फिलहाल, तो यहाँ ध्यान रखें। उसके बाद अगर आपको मिले रहा है, रही है,
रहे हैं, ठीक है भाई। इसके अलावा रहा हूँ, रही हूँ, इसके अलावा ध्यान रखें रही हूँ, ठीक है। तो ये आपका हो गया प्रेजेंट का, कंटीन्यूअस में आता है। और अगर आपको इस टाइप की कोई भी हिंदी आईडी मिलती है तो इस कंडीशन में आपको करना क्या है, आपको हेल्पिंग वर्ब इज एम आर का यूज करना। इज एम आर का यूज आपको प्रॉपर होता है, इज सिंगुलर के साथ होता है, आप ग्रुप के साथ होता है ना। और मैं ग्रुप की हम बात करें तो यहाँ आई एन जी का यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, आई एन जी का यूज करेंगे। नेक्स्ट हम बात करें यहाँ रहा था, रही थी, रहे थे, ठीक है। इसके अलावा बैठा था, बैठी थी, बैठी थी, बैठे थे, क्योंकि बैठा के साथ रहा रही का यूज नहीं होता, ठीक है। खड़ा था, खड़ी थी, खड़े थे, ठीक है। इसमें भी आप इस तरीके से नोट कर सकते हो, बैठा, बैठा है, ठीक है, बैठी है, खड़ा है और खड़ी है, इस तरीके से भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना है, इस तरीके की आइडिया अगर आपको मिलती है तो वहाँ आपको हेल्पिंग वर्ब किसका यूज करना है, वॉच वर्ब का। किसका यूज करना भी, वॉच वर्ब का यूज करना है। और उसके बाद हम क्या यूज करेंगे, आई एन जी का यूज करेंगे, यानी कि फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, ठीक है। तो आज जो है आपको इन्हीं दो कंसेप्ट के ऊपर चलना है, ठीक है। इन दो कंसेप्ट के ऊपर हम बात करेंगे कल के वीडियो में, इनसे सेंटेंस बनाना सीखेंगे। तो सबसे पहले आप हिंदी आईडी को याद करके इंग्लिश को ट्रांसलेट, इंग्लिश में ट्रांसलेट इजीली कर सकते हो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में हमारी, गुड बाय, ठीक है। और साथ ही में आप जो है हिंदी आईडी को एक बार अपने माइंड में रीड जरूर कर लेना। तो इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, गुड बाय करते हैं। थैंक यू टू ऑल स्टूडेंट्स दैट आर वॉचिंग आर वीडियोज, ओके, थैंक यू, गुड बाय।